ಶಿವಾಣಿ ಜನನ ತಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಗೋರವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡಿ तो सब जगह पहुंचेगा, टेंशन ना ले आप, ठीक है। अच्छा, जिनको जिनको मिलता जा रहा है ये इधर से आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आप घर पे आपको खाना भी बनाना है ना। अब पता नहीं कौन सा सीरियल चल रहा है, वो भी देखना जरूरी है, उस पर ज्यादा दिमाग लगा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़ा जल्दी खत्म करके आ गया तू। जिनको मिलता जा रहा है माननीय श्री अजीत दादा पवार जी का जन्मदिन था 22 जुलाई को। उन्होंने, अजीत दादा ने और भुजबल साहब और सभी भुजबल के मार्गदर्शन में मैंने आज ये कार्यक्रम लिया है। जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उन्होंने लेक लाड़की योजना, जो बच्ची के जन्म से ही 5,000 रुपये मिलते हैं, और लाड़की बहन योजना, जो सभी मेरी महिलाओं को, बहनों को ये प्रोग्राम दिया गया कि उनको 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे, और अन्नपूर्णा योजना, जो गैस सिलेंडर साल में 3 बार गैस सिलेंडर मिलेगी, अन्नपूर्णा योजना। इस तरह मेरे अजीत दादा, मेरे भाई ने महिलाओं के लिए बहुत सारी जो योजनाएं निकाली। तो महिलाओं से जब मैं ये योजना लेकर उनके घर पहुंची, तब मुझे पता चला कि महिलाएं हर तरह से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से, जो प्रशासन है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें राशन नहीं मिलता, गटर वाटर मीटर की प्रॉब्लम्स है, समस्याएं बहुत सारी हैं। तो मैंने झांसी की रानी का रूप लिया और मैंने कहा कि दहीसर के विकास के लिए, दहीसर की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अब हर महिला को झांसी की रानी बनना पड़ेगा। और अजीत दादा, जो मेरे लाड़के भाऊ और हमारी महिलाओं के महाराष्ट्र सरकार के नेता ने इन्हें जो भी सुविधाएं दी हैं, उसको हक से लेने के लिए पहले जो डिपार्टमेंट के नीचे के अधिकारी हैं उनसे अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। ये तो मैंने झांसी की रानी का रूप ही इसी लिए लिया है कि मैं अपनी नारी शक्ति जो भूल गई हैं कि उनकी ताकत कितनी है। 9 महीने जो बच्चे को कोख में रख के और उसके बाद भी बच्चे को जन्म दे के भारत के भविष्य का निर्माण करती हैं, वो कमज़ोर और अबला नहीं है, सबला है। आपने देखा होगा बहुत बार, अभी कुछ नेतागण भी कहते हैं आप महिला हो आप चुप रहो, महिला हो चुप रहो, मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। महिला ही भारत के भविष्य को जन्म देती है, महिला बहुत सबल है और वो अबला नहीं सबला है, और उसी के लिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा और उसी के लिए मैं ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैं झांसी। कुछ महीने बाद आगामी विधानसभा का चुनाव, अगर मौका मिले एनसीपी पार्टी की तरफ से, तो क्या दहीसर विधानसभा आपसे आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, अजीत दादा ने और मेरे माननीय श्री समीर बाहू भुजबल साहब जो मुंबई अध्यक्ष हैं, मेरे गॉड फादर छगन भुजबल साहब ने मुझे एक उम्मीद जताई है दहीसर तालुका अध्यक्ष बनाकर, और मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लोकसभा के इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया है, और दहीसर तालुका का सारा कामकाज मैंने अच्छे से उसका पोषण और किया है, इसलिए मैं दावेदार हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे अगर विधायक का टिकट दिया जाए, अजीत पवार के गुट से अगर ये टिकट मुझे मिलता है, तो मैं जीत कर आऊँगी, मैं वादा करती हूँ। मुझे पता है क्योंकि मैंने, मेरी महिलाओं ने बूथ वाइज, वार्ड वाइज, जिला वाइज, पूरा तालुका वाइज पूरा काम किया है, और मैं दहीसर तालुका जीत कर अजीत दादा पवार को दूंगी।